नमस्कार। 58 वर्षीय महिला, इनकी उंगलियों की गतिविधि, इनके पर्वों की गतिविधि, इनकी रेखाओं पर क्या क्या इस समय चल रहा है, इसको मैं क्रम से बताने का प्रयास करूंगा और अंत में इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की लंबाई लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी है, यानी कह सकता हूं कि ज्ञान है, बुद्धि है कनिष्ठा उंगली से। तो कनिष्ठा उंगली से तो ज्ञान और बुद्धि बिल्कुल पास होती है। मानसिक स्थिति को देखता हूं तो यहां से अपने आप को संभाल जाएंगी चाहे कैसी भी स्थिति है। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो व्यवहार के अंदर भी अपने आप को संभाल जाएंगी, और आर्थिक पर्व पर यदि देखता हूँ तो कुछ पैसे के लिए संघर्ष बना हुआ है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली पर एक कट का निशान आ गया, यानी कि स्वास्थ्य खराब की शुरुआत सूर्य ग्रह से हो गई। आँखों की रोग का होना, साथ ही साथ हृदय से संबंधित कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां जो होती हैं उनका भी संकेत, यानी बीपी से संबंधित बीमारियों का प्रवेश, ये आपके जीवन के अंदर हो चुका है। इसको आपको थोड़ा सा नियंत्रण करके रखना है, जैसे भी आप कर सकें। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार के राज्य सरकार से सहयोग की संभावना नहीं। और तीसरा पर्व यानी कुल मिलाकर आपके परिवार आपके पिता से होता है, वहाँ से आपको सामान्य रूप से सहयोग। अब बात करता हूँ मैं स्थाई रोग के पर्वत की, और वो स्थाई रोग के लिए जाना जाता है शनि पर्व। शनि पर्व पर जब ये रेखा इस तरह से खिंच जाती है तो ये स्थाई रोगों का प्रवेश हो जाता है, यानी आपके जीवन के अंदर मेडिसिन दवाई वो आपको आजीवन खानी पड़ेगी, और उसमें निरंतर रूप से आप तभी प्रगति प्राप्त कर सकती हैं जब आप उसके अंदर दवाइयों को जो नियमित रूप से डॉक्टर बताता उसे खाती रहें। तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बस ये जो भी रोग है जो भी दवाई है उसकी खाती रहिएगा तो जीवन बढ़िया चलता रहेगा। सेकंड पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ये दो बड़ी रेखाएँ एक अल्य पर्व की तरह से बन गई हैं, यानी ये अपने आप में थोड़ा सा गैप लेकर के जब आती हैं तब इनका फल जरूर माना जाता है। इसको कहते हैं धन का संघर्ष, इसको कहते हैं धन की अपेक्षा अनुसार, जैसी आप अपेक्षा करती हैं उसके अनुसार धन की प्राप्ति ना होना। तो ये तो आपको एक तरीके से आजीवन समझ लीजिए मिल चुकी है कि जो आपकी अपेक्षाओं में धन है वो आपको नहीं दिखाई देता। यहाँ पर तीसरा पर्व यानी कुल मिलाकर परिवार के बीच में रहती हैं, परिवार से सामंजस्य बैठा लेती हैं। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली पर, यहाँ भी एक चिन्ह आ गया है थोड़ा सा रोग के लिए, सांप यहाँ भी दिखाई दे गया है। तो कई प्रकार से रोग प्रवेश करते नजर आ रहे हैं, उनका जो भी रेगुलर मेडिसिन है उनको लगातार आपको खाना ही पड़ेगा, तभी आप उस पर नियंत्रण कर सकेंगी। सेकंड पर्वत पर ये रेखा जब लग जाए तो पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद रहते हैं, साथ ही साथ वैचारिक मतभेदों में एक तरह से पति पत्नी आपस में एक दूसरे की बात को अनसुनी कर देते हैं, साथ ही साथ ये गैप बन जाए तो ये भी इसी स्थिति को ही बनाता है। अब बात करता हूँ संतान के सुख सहयोग की। संतान का सुख सहयोग की यहाँ रेखाएँ ठीक ठाक हैं, इतना खराब नहीं है, अपने आप में ठीक ठाक हैं। आइए आपके राइट हैंड पर चलेंगे और वहाँ से आपकी वर्तमान की गा गतिविधि है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपकी उम्र क्योंकि 58 वर्ष हो चुकी है तो राइट हैंड को ज़्यादा लेना पड़ेगा। यदि मैं इन रेखाओं को देखता हूँ तो ये वो रेखाएँ हैं जो बता रही हैं कि भाई देखिए बहुत धन की बात नहीं कह सकता, लेकिन आपके खर्चे के लिए आपके पास धन रहता है। जब कोई महिला नौकरी नहीं करती तो उसकी रेखाओं का फल इस प्रकार से बोला जाता है। साथ ही साथ दोनों ही हाथ में देखता हूँ तो ये इसी प्रकार की रेखा है, एक तरीके से आपके लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर ये इस प्रकार की रेखा का होना, और इस बात को बताता है कि आपके जीवन के अंतर्गत आपके खर्चे के लिए पैसे आपके पास आज भी आपको मिलते रहते हैं। मैं बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यशमान सम्मान के लिए जाना जाता है,
कि भाई आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर जाएंगे, कितनी तरक्की पर जाएंगे, इस चीज़ को यहाँ पर इन रेखाओं से जाना जाता है। अगर इन रेखाओं की बात करता हूँ तो सामान्य सम्मान की जो रेखाएं होती हैं वो आपके पास में है, इसमें ट्रेंगिल भी हैं, इसमें कटने वाली रेखाएं भी हैं, इसमें उठने वाली रेखाएं भी हैं, तो कुल मिलाकर सम्मान आपका चलता रहता है, गिरता रहता है, इस तरह का संकेत आप बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप एक महिला हैं, घरेलू हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर नौकरी से ना बोल करके सम्मान से संबंधित बातों को मैंने यहाँ पर बोला है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व, और यदि आप देखेंगे तो भाग्य का पर्व यहाँ कुल मिलाकर उस रेखाओं को दिखाता है जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई जीवन के अंत तक भाग्य आपका कैसा साथ देगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई जड़ी ज़्यादा बुरी बुराई बुराई नहीं है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, कुल मिलाकर आपके जीवन के अंत समय तक आपका भाग्य सम्मान आपके पास ठीक तरीके से बना रहेगा। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर बृहस्पति का पर्व। इस पर छोटी छोटी तीन रेखाएं खड़ी हैं, ईश्वर की भक्ति के लिए वो रेखाएं जानी जाती हैं जो ऊपर खड़ी हैं, ये भगवान की भक्ति के लिए पूजा पाठ के लिए जानी जाती हैं। नीचे आड़ी रेखाएं हैं जो धन की तरफ देखती हैं, दिमाग के अंदर लगा रहता है कि मेरी धन की स्थिति कैसी होगी, मैं धन की आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इस तरह की रेखाएं। आपके हिसाब से मुझे यहाँ कोई मकान नज़र नहीं आ रहा। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके मैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कुल मिलाकर हृदय रेखा और जा करके यहाँ पर नीचे ये ढल जाना तो बहुत ही बुरी बात होती है। जब हृदय रेखा की बात करता हूँ और इससे मैं स्वास्थ्य की स्थिति को भी बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं कुल मिलाकर देखता हूँ को ऐसा नहीं लगता कि आप मेडिसिन खाएं तो आपका स्वास्थ्य ठीक ना रहे। मुझे कोई बहुत बड़ी रोग के संकेत आपका नज़र नहीं आता, यानी अगर मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर कोई ऐसा बड़ा रोग नज़र नहीं आता जिससे आप जीत दर्ज ना कर सकें। हृदय रेखा जाकर जब मंगल रेखा के अंदर घुसने का प्रवेश करे तो ये जीवन में जरूर रहता है कि मेरे जीवन में मुझे पति इस प्रकार का नहीं मिला। उसमें हो सकता है रंग रूप हो, उसमें हो सकता है भाषा शैली का हो, जो भी है, ये मन के अंदर जब हृदय रेखा से जाकर मंगल पर्व को रेखा मिल जाती है उसका फल इस प्रकार से बोला जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। ये वो रेखा है जो कर्म रूपी रेखा के रूप में जानी जाती है, यानी आपके जीवन के अंतर्गत आप अपने हाथ पैरों से चलते रहें, अपने हाथ पैसों से कर्म करते रहें, इस तरह की रेखाओं को यहाँ पर कह सकता हूँ। जब जब ये आयु रेखा को काटती हैं तो उस रेखा में आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सारी की सारी रेखाएं आपके आयु पक्ष में निकल चुकी हैं, लेकिन आज भी आप में सामर्थ्य है अपना काम को स्वयं को संभालने की। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। मैंने बहुत बार बोला कि भाई बुद्धि रेखा दूर से शुरू नहीं होनी चाहिए। एक तो वो मंगल से निकली आई आपके पति वाली, दूसरी आपकी रेखा भी बुद्धि रेखा जब दूर से शुरू होगी तब ये अच्छी बात नहीं। इसका कारण है कि आपका अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा, यानी आप कटु शब्द कहने में चूकने की नहीं है, आप सामने के सामने बात कहने में चूकने की नहीं है, और उस चूकने के कारण यानी भाषा पर तो नियंत्रण हो ही नहीं सकता आपका, और उसके कारण आपके जीवन के अंदर पति के साथ झगड़े झंझट या परिवार के अन्य व्यक्तियों के साथ में तनाव जैसे संबंध बने रहते हैं। तो ये तो आपको कुदरती मिली हुई है, इसको बहुत मुश्किल है इसका काटना, और इसके लिए आप प्रयास करें कि अपने आप को शांत रखें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब बात करता हूँ मैं आदित्य मंगल पर्वत के बारे में। कुछ रेखा यहाँ से निकलती हैं हल्की हल्की सी, कोई कोर्ट कचहरी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि भाषा शैली पर अपना नियंत्रण रखिएगा। चंद्र पर्वत पर निकलने वाली रेखाओं का संबंध माना जाता है, कुछ दीप सा बना करके भी चलती हैं हल्की फुल्की, यानी ये मानसिक चिंता की रेखाएं यहाँ आपके हाथ के अंदर निकल रही हैं। मानसिक चिंता, लगातार दिमाग के अंदर उथल पुथल मचा रहना, ये चंद्र पर्वत इसका कारक माना जाता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा ये टूट टूट कर चलने वाली बुध रेखाएं हैं, शुक्र पर्वत से निकल कर के आई, यानी संतान तो सुख देगी आपको, और ये बुध रेखाएं जब टूट टूट कर चलें तो आप कहीं कोई भी चीज़ व्यवस्थित रूप से नहीं कर सकते, व्यापार या कोई भी अन्य काम।
भाग्य रेखा की बात करता हूँ, ये थोड़ी नेगेटिव रेखाएं हैं जो गिर रही हैं, कुछ रेखाएं उठती हुई हैं, कुछ नेगेटिव हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में, भाग्य रेखा, और ये जाकर के आपकी यहाँ भाग्य रेखा और दूर स्थान से निकली और इसके बाद लगातार आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा। आपका परिवार यदि ये समझता है कि क्योंकि आपका भाग्य पर भी ठीक था और यहाँ भी ठीक है, भले ही आप नौकरी पर ना जाती हों, लेकिन जब आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा होगी तो उस भाग्य का फल परिवार के लोगों को भी मिलता है, यानी कि आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से आपके भाग्य से आपके परिवार का चूल्हा जलता है। ये इस प्रकार की रेखा आपके हाथ के अंदर मजबूती के साथ में बनी हुई है। तो ये वो रेखा है जिससे जितने पिछले समय से ही आपके भाग्य से आपके पति का भाग्य उज्जित होता रहा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, काफ़ी चटकदार रेखाओं से भरा हुआ है, अच्छे संसाधन आपके पास में नहीं नज़र आ रहे हैं। यहाँ बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा इसमें से दो उठती रेखाओं का फल बता देते हैं। एक यहाँ उठ रही है, लगभग 38वें वर्ष में आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ होगा, और ये कुछ आपके जीवन के अंदर लगभग 50वें वर्ष में अच्छा हुआ होगा। उसके बाद आयु रेखा लगभग पहुँच गई है नीचे जाकर 77-78 वर्ष के आसपास, तो आयु रेखा लगभग आपकी इतनी है। तो ये देखा मैंने आपकी सारी हाथ की रेखाओं को यहाँ पर, ये इस लेफ्ट हैंड में तो जाकर ये अपने आप में दो मुखी हो गई। आपको परिवार से भी अच्छा, आपके माता पिता से भी सहयोग मिला और जीवन का बुढ़ापे के लिए भी इतना ख़राब नहीं है। तो अब मैं चलता हूँ आपके सवालों पर, बहुत सारे पर्वतों से देखूंगा दोनों हाथ में, जब आपको सवालों का जवाब दे पाऊँगा। पति के आपका दोनों का जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसके बारे में आपने पूछा है। आपके हाथ से मुझे ऐसा नहीं लगता देखने में कि पति का हाल, जो बीमारी है, जो भी चीज़ है वो, और आपकी दोनों की बीमारी रेगुलर मेडिसिन पे तो हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं हो सकती कि कोई अनायास कोई दुर्घटना हो। तो कुल मिलाकर दोनों अपने लोग अपने सही तरीके से अपनी दवाई का खान पान का सही नियमित रूप से खान पान करते रहें। पति और आपके बीच में जो भी परेशानी है उसका मुख्य कारण है, देखिए आप अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं। आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, जो वो करते हैं करने दीजिए, जो वो अपने परिवार के लोगों से संबंध रखते हैं वो उनको करते रहने दीजिएगा, उससे आपको कुछ नहीं है। पैसा टिकने का सवाल ये है, आप तो सिर्फ़ और सिर्फ आप कोई कमाती तो है नहीं, आपको तो सिर्फ खर्चे के पैसे मिल जाते हैं और वो आपको मिलते रहेंगे। तो पैटा आपके पास टिकने का तो मतलब जब हो, जब आप कमा कर ले आए, तो कुल मिलाकर आपको खर्चे के पैसे मिल जाते हैं। तो चलिए, जो आपने पूछा है कि बहू है या कोई है, वो बिल्कुल जो है वो तो लड़के की जन्मपत्री बताएगी कि उसकी पति पत्नी का तालमेल किस प्रकार से उसके जीवन में रहने वाला है। ये आपके हाथ के अंदर तो मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको संतान सुख सहयोग है। अब उसमें हो सकता है कि एक संतान से हो एक संतान से ना हो, वो दूसरी बात है। तो निश्चित रूप से आप अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखेंगी तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, फिर आपका कोई भी हंसी और मजाक नहीं उड़ाएगा। आप अपने इंटरफेयर को चुपचाप रखिएगा, अपनी बातों को उनके सामने प्रकट मत कीजिएगा। शांत रहने की कोशिश करें, योगा करें, प्राणायाम करें, घूमें, 2-4 किलोमीटर की सैर करें, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकेंगी। तो ये बेटा बेटी बहू की कहानी तो उनकी जन्मपत्री से पता लगेगी। आपको जहाँ तक संपत्ति मिलने का सवाल है तो देखिए, आपको यहाँ आपके हाथ से मुझे कहीं कोई ससुराल की संपत्ति मिलती दिखाई नहीं देती, आपके पति के हाथ से पता लगेगा या उनकी जन्मपत्री से। मकान आपके नाम से नहीं होने वाला है, आपका भविष्य में जो भी मकान बनेगा आपके हाथ से कहीं भी मकान नहीं बन रहा है। तो मन में भटकाव और डिसीजन के लिए रोग बहुत ज़्यादा हैं, पीड़ित हूँ। तो बुढ़ापे में बच्चे सेवा करेंगे, चिंता ना करें, एकाध बेटे बहू पर मत जाइएगा। तो पैसे का ऐसा सवाल है, राजयोग हाथ के अंदर कोई भी नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप यदि चाहती हैं कि आपका स्वस्थ रहे दिमाग और मन से आप प्रसन्न रहें और सभी लोगों पर अपनी विजय प्राप्त कर सकें, तो सिर्फ और सिर्फ आपको केवल एक देवी कवच पढ़ना है बस अपनी पूजा में। जो भी पूजा करती हैं वो करती रहिए, लेकिन दुर्गा सप्तशती का देवी कवच का पाठ आपको नित्य करना चाहिए। उसके करने से आप
शारीरिक रूप से भी मजबूत होंगी, मानसिक रूप से भी मजबूत होंगी, धन संपन्नता भी मिलेगी, संतान सुख सहयोग भी मिलेगा। तो सारी चीजों के लिए बस आपको ये करना है, कोई नग पहनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देवी कवच पर ये दुर्गा सप्तशती का, वही आपके जीवन में सारी संपन्नताओं को देगा। नमस्कार।